दोस्तों आज की कहानी है छोटी बहू। तूने तो आते ही हमारे घर को बर्बाद कर दिया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मुझे उम्मीद नहीं थी 7 साल बाद ऐसा कुछ होगा। हमारे घर के टुकड़े हो जाएंगे और हम दोनों बच्चों के बीच बटकर रह जाएंगे। हृदय में वेदनाओं की टीस उड़ते हुए परीतो जी अपने पति कमलेश जी से कहती हैं, परीतो सही कह रही हो तुम। राम लक्ष्मण की जोड़ी थी हमारे बच्चों की बला। कौन कह सकता था कि दोनों भाई इस कदर एक दूसरे से नफरत करेंगे। बहुत दुख होता है परीतो जी जब मैं दोनों की आंखों में नफरत की आंधी देखता हूँ। हमारी परवरिश में थोड़ी कमी रह गई परीतो जी, कमी रह गई। कहते कहते कमलेश जी की आंखों के कोर गीले हो जाते हैं। कितना खूबसूरत था अपना घर संसार जी, पता नहीं किसकी नजर लग गई इस हंसते खेलते परिवार को। कितना प्यार था सबके बीच, खासकर अपने दोनों अनमोल रतन में। कितने गर्व से हम दूसरों के सामने कहते थे देख लेना, मेरे बच्चे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आखिर राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो थी, पर ये राम लक्ष्मण की जोड़ी उस दिन टूट गई जब छोटी बहू दीप्ति हमारे घर की बहू बनकर आई। उसके आते जैसे घर में उथल पुथल मच गई, बर्बाद कर दिया उसने हमारे भरे पूरे बगिया को। अब किसी को कोसने से क्या फायदा। प्रीतो जब सीढ़ियां सूंघ गई खेत हमारे ही आंखों पर पर्दा सड़ा हुआ था जो दीप्ति की बुराई नहीं दिख पाती थी। और हम हमेशा अपने बड़े बेटे राघव और बहू साक्षी के साथ पक्षपात कर जाते थे और इसी का फायदा दीप्ति उठाती थी। कमलेश जी अफसोस करते हुए बोल रहे थे, दीप्ति और उसके घर वालों को पहचानने में हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। जी मैं कहती थी ना रिश्ता हमेशा बराबर वाले में होनी चाहिए, पर आपने इस बात को नज़रअंदाज किया और एक ऐसे घर की लाडली को बहु बना कर लाई जिसने अपने जीवन में इतनी सुख सुविधाएं कभी नहीं देखी थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसे किसी भी चीज़ों की अहमियत ही मालूम नहीं पड़ी। हमें लगता था बेसारी कभी सुख भोग नहीं पाई अपने मायके में, इसलिए हर चीज पूरी कर देती थी और उसे घर की रानी बनाकर रखा। सिर्फ बेटे के मुंह में फंस कर यदि मुकुल दीप्ति से लव मैरिज नहीं करता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। दूसरी तरफ साक्षी काफ़ी सुलझी समझदार लड़की थी। साली नता तो जैसे उसके परिवार के लोगों की पहचान थी, हर जिम्मेदारी निभाया उसने, सबके आज्ञा का पालन भी किया और करती भी आ रही है। पर छोटी बहू दीप्ति दिन प्रतिदिन जबरदस्त बनती गई। साक्षी के साथ आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना जैसे ही हर दिन की बात हो गई। साथ में मुकुल का कान भर भर कर बर्बाद कर दी। मुकुल भी दीप्ति की आधी अधूरी बात पर विश्वास कर लेता, राघव से झगड़ा शुरू कर दिया। अब तो ये सिलसिला रोज का हो गया और हम दोनों कुछ न कर सके। एक को समझाओ तो दूसरा कहता है पक्षपात कर रहे हो। पहले तो राघव मेरी बात मान भी लेता था पर अब वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या इसी दिन के लिए हमने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया ताकि वह आपस में झगड़ झगड़ कर हमारी इज्जत को पानी में मिला दे। मायूस होते हुए प्रीतो जी कह रही थी, आज हमारी इज्जत दोनों बच्चों ने मिट्टी में मिला दिया। समाज रिश्तेदारों की नज़र में हमें झुका दिया।
इसी इज्जत को कमाने में सारी उम्र निकल जाती है परितो जी, सारी उम्र निकल जाती है पर इन बच्चों को कौन समझाए। अब जब इन लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो घर का बंटवारा कर ही लेते हैं ताकि हम भी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। कमलेश जी बोले, फिर दोनों बेटे और बहू को प्रीतो जी बुलाती हैं और फिर कमलेश जी अपना फैसला सुनाते हैं। जब तुम लोगों ने सोच ही लिया है तो हम दोनों भी घर के तीन हिस्से को करने को तैयार हो गए हैं। दो हिस्से तुम दोनों भाइयों के लिए और एक हिस्सा हमारा, और हमारे मरने के बाद ये हिस्सा मेरे बेटी निधि को मिलेगा। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं? कमलेश जी बोले, राघव और मुकुल दोनों राजी हो जाते हैं। प्रीतो जी की आंखों इन शब्दों के साथ नम हो जाती हैं कि आज वो हार सुखी थी अपनी परवरिश से। दोनों बेटे बहू जब अलग होने से पहले मिलने आए तो परितो जी एक बात बोल पाई, इज्जत बनाने में पीढ़ियां निकल जाती हैं, बहू पर जान जाने में रत्ती भर समय नहीं लगता। जिसकी मिसाल दिया करती थी आज वो रिश्ते ही बिखर गए।